हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे सिलेबस के बारे में जो कि ONGC ने रिलीज किया है फॉर 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये ये सिलेबस उन सब पोस्ट के लिए सेम होगा जिसमें आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनी डिग्री के बिहा पे अप्लाई किया है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, सीमेंटिंग हो, ड्रिलिंग हो, प्रोडक्शन हो या फिर आपके मैकेनिकल क्यों ना हो, ठीक है, और भी एक आध हो तो उसमें भी। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई किया है तो सारे के सारे इसके लिए ये सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, सॉरी सिलेबस सेम है। सो इसमें क्या देखो, ये आप सिलेबस देखोगे, ऑफकोर्स देखा ही होगा, तो आप देखें कितना बड़ा सिलेबस है, लाइक इट्स अ ह्यूज 24 पेज है इसमें, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो इसमें, ठीक है, लाइक कैड कैम, CIM, देन बहुत सारी चीजें और भी हैं जो नहीं, फार्म इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सब कुछ लिख दिया जो आपके डिग्री में हुआ करता होगा, इवन इनफैक्ट ज्यादा भी होगा उससे। तो ऑफकोर्स अगर आप किसी को एक साल दे दी जाए तो एक साल में भी इसको कंप्लीट ना कर पाए, तो डेफिनेटली है आपको प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट को मैं ज्यादा टाइम दूं और कौन से को कम टाइम दूं, या कौन से ऐसे हैं जो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं जिनको मैं छूंगा ही नहीं, ठीक है, छोड़ ही दूं। और छोड़ने से अच्छा मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, मोस्टली थ्योरेटिकल होने वाले हैं। थ्योरेटिकल में क्या हो रहा है, अगर कोई भी टॉपिक है मान लो आप छोड़ के चले गए, उससे अच्छा क्या एक बार पढ़ लो उसको, बस समझ में आए या ना एक बार पढ़ लो, जो भी आप छोड़ के जा रहे हो उसको एक बार नेट से सर्च करके कुछ भी करके आपने उसको पढ़ लिया, ठीक है, वहां जाके आप बैठोगे कास्ट उसी के पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको वो चीज हिट कर जाएगी, हाँ ये चीज तो ऐसी थी, याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ के चले जाओ लेकिन छोड़ के मत जाना। ये इस एग्जाम का, ये CBT का गेम वही जीतेगा जिसने क्या किया, ज्यादा चीजें कवर की हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डीप में पढ़नी है, जो टेक्निकल कोर टॉपिक्स हैं वो आपको डीप में पढ़नी, क्योंकि उसमें क्या आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, और उससे लिंक बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा उसके भी यहाँ पे आपके 2-3 इसमें टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हम स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि CBT का पैटर्न क्या है। देखो CBT में 80 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स आपको यहां से स्कोर करने हैं, ठीक है। CBT का जो वेटेज होगा वो क्या होगा, टोटल जो आपका जो सेलेक्ट होगा उसमें क्या होगा, 85% CBT का वेटेज है, 10% आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का वेटेज है। आप समझ सकते हो अगर आपकी 60% से ज्यादा आपने स्कोर अपनी डिप्लोमा में स्कोर किया देन आपको 10 में से 10 मिलेंगे, तो आई थिंक ये सबको ही मिलेंगे ये वाले मार्क्स, और फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आपके उसके हैं, 5 मार्क्स छोड़ दो मान लो, और अकेडमिक परफॉर्मेंस आई थिंक सबके लिए मिलेंगे, तो सारा का सारा गेम जो डिपेंड करेगा वो CBT करेगा डिसाइड, ठीक है, मतलब 85% वेटेज CBT, तो ये CBT होने वाला, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हो और आपने ये वीडियो ओपन कर लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। सो मैंने इस सिलेबस को काफी एनालाइज किया है, उसके बाद में एक मैंने आउटलाइन बनाई है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। टोटल सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आप देखोगे टोटल सब्जेक्ट है हमारे 23। इन 23 सब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एक ऑर्डर में अरेंज किया है, लाइक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ऑर्डर में अरेंज करने का मेरा रीजन ये है कि क्या स्टार्टिंग में मैंने कोर सब्जेक्ट रखे हैं। देखो कोर सब्जेक्ट क्या है, कोई भी एग्जाम आप दो, इसका जो आपका CBT हो इसको छोड़ दो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे किसी और चीज का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये कोर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। लाइक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं कि आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सब चीजें यूज होती हैं, और आपका थ्योरेटिकल लो चाहे इंटरव्यू लो सब में ये कोर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि CBT में इन कोर सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा। एंड सेकेंडली अगर यहां तक बात करूं मैं आपको 10 मतलब फर्स्ट टू 10 तक बात करूं तो ये 10 सब्जेक्ट में ही आपको क्या होगा इंटरव्यूज सॉरी कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आए तो ये 1 से लेकर 10 सब्जेक्ट हैं इनमें से ही आएंगे, ठीक है, बाकी में थ्योरी है, रटना है, याद करना है आपको, लेकिन छोड़ के मत जाना कुछ भी, क्योंकि ये CBT में क्या है अगर आपको लाइक एक क्वेश्चन भी मिस हो गया तो एक नंबर आपका गया, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत होने वाला। आपको पता ही है कि भी आजकल के टाइम में बेरोजगारी कितनी है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा होगा ऑफकोर्स, तो आप जितना ज्यादा पढ़ सको उतना ज्यादा पढ़ के जाना, लेकिन ये जो कोर सब्जेक्ट है इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि नीचे में रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं, कोई गारंटी नहीं है जो आप याद कर गए वही आ जाए। और कोर सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में इनका सिलेबस फिक्स है और लाइक चीजें फिक्स हैं जो आपको करनी है, तो डेफिनेटली है क्वेश्चंस कोई बनेगा तो वो आपको 90% चांस हो ही जाएगा। यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगर आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एटलीस्ट इतना अपना
कॉन्ट्रीब्यूशन दे दीजिए, ठीक है। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे हम जाते हैं इसके सिलेबस पे। तो सिलेबस में क्या, देखो इसमें थर्मो आ जाएगा आपका, हीट ट्रांसफर एंड पावर प्लांट आ जाएगा, स्टीम टर्बाइंस आ जाएंगी, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाएगा। तो आप ब्रीफली और एंड मशीन टूल्स एंड मशीनिंग प्रोसेस, तो आप ब्रीफली देखो तो ये जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, ये अपने आप में ही तीन चार सब्जेक्ट को कर देगा कवर। देखो तीन चार सब्जेक्ट आपको बताऊं तो आगे चल के आप जाओगे तो आपको हीट ट्रांसफर एक अलग सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। अगेन पावर प्लांट एक अलग सब्जेक्ट है, स्टीम टर्बाइन एक अलग है, मटेरियल साइंस मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये अलग, पूरा का पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके तो आई थिंक ये जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सब लिखा हुआ है ये आगे चल के अलग से सब्जेक्ट भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। करना कैसे, देखो यहाँ पे कोई भी क्या है कि न्यूमेरिकल्स आने के बहुत कम चांसेस हैं, आएंगे भी तो क्या होगा आपका इंजन की एफिशिएंसी पे आ जाएगा, या सीओपी पूछ सकता है, ठीक है, या आईसी इंजन में बहुत सारी चीजें की ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, फॉर्मूला सिर्फ बस डेरिवेशन नहीं, या किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है किसकी कम है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप कम एक्सपेक्ट ही करो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो तो क्या करो, ये टॉपिक जैसे मान लो रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, किताब लो आरएस खुरमिया आर के राजपूत, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसमें आप ये टॉपिक देखा पढ़ डालो, टाइप ऑफ सिस्टम्स देखा वहां कर लिया कवर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखा वहां कवर कर लिया, प्रॉपर्टीज स्टेट जो जो नाम इन्होंने यहां पे मेंशन किया है किताब से उठा के उस चीज को पढ़ लो, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस किताब से उठाओ और इसमें कर लो। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो लाइक अगर सीओपी की बात यहाँ पे कर दी, ठीक है, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आप पढ़ोगे, ये एक्चुअली आरएसी में आता है, आरएसी एक अलग से है पूरा सब्जेक्ट, तो उसमें आप देखोगे कि सीओपी का फॉर्मूला आप याद कर लो, सीओपी पूछ सकता है, ठीक है, या ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हो गई उनका फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। एंट्रोपी इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, डेफिनेशन ओनली। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लाइक न्यूमेरिकल्स बहुत डीप नहीं पूछेंगे, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर आएंगे तो। न्यूमेरिकल करने में फायदा ये होता है कि आ गया तो आपको आपका 90% चांस है, अगर आपको चीज आती है तो सही हो जाएगा। तो आप समझोगे कि आपको कैसे कवर करना है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप एक टॉपिक यहाँ देखा और हमने वहां पे बुक में जाके रेफर कर लिया, कवर हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग रखने का मेरा सेकंड रीजन ये रहा, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल सीएनजी पीएनजी ये सब चीजें, एक्चुअली क्या है कि ONGC इज डीलिंग विद द एनर्जी, ठीक। और आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक। मोस्टली इंटरव्यू जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, और सीएनजी पीएनजी नेचुरल गैस ये सब चीजों में ONGC डील कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा चांसेस हैं कि इन सब चीजों पे थ्योरी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ओके अगेन आता है आईसी इंजन में थ्योरी पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ONGC में आप अगर मैकेनिकल से जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंजन लाइक हर प्रोसेस प्लांट में आपको इंजन देखने को मिलेंगे, तो वो अगर वो रिक्रूटमेंट में पेपर अगर ठीक से सेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली है वो इंजन से क्वेश्चंस पूछेंगे, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और इसमें आपको न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। देन आईसी इंजन सिस्टम की बात करें, सिस्टम में आपको पूछा जाएगा कि पेट्रोल इंजन का क्या फ्यूल सिस्टम है, देन आपका डीजल इंजन का क्या है, कार्बोरेटर्स की वर्किंग हो गई, ठीक है, इग्निशन सिस्टम्स हो गए, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है लाइक ये पूरा एक चैप्टर हम बोल सकते हैं, ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल हो गया, ठीक है, डिफरेंसेस हो गया, ठीक है, गवर्निंग मैकेनिज्म हो गई, लाइक दीज थिंग्स, ये थ्योरेटिकल है पूरा, और ये आपका क्या है पूरा टेक्निकल है, मतलब आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें और समझने वाली चीजें हैं इसमें, ठीक है। अगेन परफॉर्मेंस, ये हाँ न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस यहां से भी है, ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर फ्रिक्शन पावर इनके फॉर्मूले होते हैं। देन अगेन मोस्ट टेस्ट यहाँ के लिखा आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। देन हीट बैलेंस शीट, ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ये लाइक क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, नहीं पढ़ा तो इसको स्किप कर सकते हो। देन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ब्रेक पावर IPFP ये सब चीजें एक लाइक मोस्ट टेस्ट है, इसमें भी बताया गया उन्होंने कैसे हम लोग निकालेंगे। देन सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन परफॉर्मेंस ऑफ IC इंजन,
समझ रहे हो, इनने यहाँ मेंशन ही कर दिया न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। देखो न्यूमेरिकल का स्कोप बहुत कम है और जहां जहां उन्होंने मेंशन किया है उसको आप छोड़ के मत जाना बिल्कुल, बहुत ज्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल आने के वहां से। तो न्यूमेरिकल यहां मैंने बोला ही आपको ब्रेक पावर, इंडिकेटर पावर एंड फ्रिक्शन पावर, इन तीन पावर के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा का पूरा चैप्टर। और दो तीन एफिशिएंसी होती है उनका फॉर्मूला निकालो और ये तीनों एफिशिएंसी डिपेंड इन तीन पे ही करती है, ठीक है। ओके, खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स इसमें जो लाइक न्यूमेरिकल्स आ सकता है या जिसमें टेक्निकल टॉपिक्स हैं, अगर आपको नीड है तो मैं वो लाइक उनकी क्लास ले सकता हूँ अलग से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाए। जिसका सिलेक्शन हो जाए मुझे एक चॉकलेट भेज देना, चॉकलेट अच्छी लगती है, एड्रेस मैं आपको बता दूंगा अपना। अब देखिए कंप्रेसर की बात करें तो क्या कंप्रेसर्स ONGC में हर जगह यूज होता है कंप्रेसर, और अगर मैकेनिकल में आप जा रहे हो या प्रोडक्शन में जा रहे हो किसी में भी आप जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपका लाइक जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है उनके साथ आप डील कर पाओ। तो मेरे हिसाब से इस पे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज है ONGC में, ठीक है, तो इनको मत छोड़ के जाना पढ़ना। नेक्स्ट हमारा RAC, इसमें ही दिया है, एक अलग से टॉपिक भी है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वो बात करेंगे। यहाँ पे जो दिया है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, यहाँ COP जो हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल आया तो मेरे हिसाब से 90% चांस न्यूमेरिकल जो होगा वो COP पे बेस्ड होगा, बहुत ईजी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके बाद है हीट ट्रांसफर, ठीक है, थर्ड इज हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर में सर्च कर लेते हैं, हीट ट्रांसफर जो पहला बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बताया था, ठीक है, उसमें जस्ट हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा लिखा था, लेकिन यहां पे पूरा का पूरा आपका हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फिन्स जो होता है, फिन्स इज द पार्ट ऑफ कंडक्शन, ठीक है। फिन्स में क्या है, देखो डेरिवेशन है बहुत सारे, डेरिवेशन किसी का याद नहीं करना है, किसी का भी कुछ नहीं आएगा, बस क्या होगा वो डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट होगा वो मे बी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट रेक्टेंगुलर एंड पिनफिनी है, इसका भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप क्या करो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो याद कर लेना बस। और क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, ये फॉर सिलेंडर एंड फॉर स्फेरिकल दोनों के लिए याद कर लो। डंप्ड पैरामीटर अप्रोच, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सिंपल है, एक बार आप पढ़ लोगे आपको आ जाएगा समझ में। और टाइम कॉन्स्टेंट का एक फॉर्मूला होता है वो भी आप याद कर लेना, मे बी उस पर क्वेश्चन कोई आ जाए, ठीक है। देन कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर्स, बहुत सिंपल है, हीट एक्सचेंजर बहुत सिंपल है, बस NTU मेथड, NTU का एक फॉर्मूला है वो आप याद कर लो। एंड इसके अलावा जो है LMTD पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर्मूले हैं इसके फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है, इसके लिए वो आपको याद करने। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट ये हीट एक्सचेंजर में आपका LMTD हो गया और क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हो गया, फिन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। ओके, देन अगेन नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सीधे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीधे सीधे थ्योरेटिकल, ठीक है। फ्लूइड फ्लो, स्टीम लाइन्स क्या होती हैं, पाथ लाइन क्या होती है, स्टीम लाइन का शेप कैसा होगा किसी फ्लो के लिए, वेंचुरी मीटर पे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइक बहुत चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होती है, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का जो फाइनल जो होता है वो, एंड सेकेंडली जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं हम लोग, ठीक है, CDG वैल्यू, उसमें आपको डेरिवेशन का मतलब याद, मेरे हिसाब से क्या करना, फाइनल फॉर्मूला याद कर लेना उसका, और आपको पता होना चाहिए कैसे लगाना है, अप्लाई कैसे करना है। न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल के बहुत कम स्कोप्स हैं जहां जहां मेंशन किया है या जहां जहां मैं बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और उसमें आपको करना है न्यूमेरिकल। अगर देखो ये एग्जाम में जितने लोग बैठेंगे मोस्टली उसमें ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे जिनका क्या 5-5, 10-10 साल कहीं और काम भी किया उन्होंने, तो ये सब चीजों से वो अलग हट जाएंगे, तो बंदा मैक्सिमम बंदे बस वो सब्जेक्ट देखेंगे जो हम पढ़ पाए याद कर पाए, जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल लगाना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाना है, डेरिवेशन है, उससे दूर भागेंगे। तो ये जो है आपके लिए स्कोरिंग जो है हो सकता है, और बहुत इजी इजी, आपने एक बार समझ लिया तो गलती होने के चांसेस खत्म, क्योंकि याद करी हुई चीज और समझी हुई चीज में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है, आपको ही पता है। देन फ्लो थ्रू पाइप्स,
लॉसेस के फॉर्मूले, ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कैसे आया सब आया। अगर देखो आप ये नहीं देखोगे कैसे आया तो आपको भी याद नहीं रह सकता है, ठीक। एंड चेजीज इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये टोटल ग्रेडियंट लाइन एच जी एल टी ई एल, मेजर लॉसेस माइनर लॉसेस, ये सब आप देख लेना। इम्पैक्ट ऑफ जेट्स की बात करें तो थोड़ा सा देख लेना इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाएगा अगर टर्बाइन और पंप की बात कर रहे हो तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा कर रहे हो तो ये दिस टॉपिक शुड बी टच्ड इन द लास्ट, ठीक है, ओके। हाइड्रोलिक टर्बाइन्स आप इसको भी लास्ट में चूज करो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कि समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। अगेन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है ये आपने कर लिया और आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप छूट गया, तो इसके बाद यहां तक फ्लो थ्रू पाइप ने पढ़ा। इसके बाद में हम आए किस पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप डेफिनेटली करना बहुत इजी है। मैनुफैक्चरिंग हेड क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं उनके, ओवरऑल एफिशिएंसी, मैनुफैक्चरिंग एफिशिएंसी, ठीक है, मैनुफैक्चरिंग हेड क्या होता है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। और इन पे कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव पंप, फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, वो आपको याद कर लेना, उस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत इजी है और हर जगह मिलेगा आपको, तो ये भी एक हॉट टॉपिक हो सकता है सीबीटी के लिए। मैंने आपको बोला ये दो चीजें आप बाद में देखना अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है इस चीज से, ठीक है, ओके। अगेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जो स्टार्टिंग में भी था वो, लेकिन वो छोटा सा सीओपी और ये सब चीज पूछी गई थी बस उसमें, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, डेफिनेशन क्या है इसकी, रेफ्रिजरेशन क्या है, आपका सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या मतलब होता है, ठीक है, वो सब देख लेना। कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि हमारे एयरक्राफ्ट में यूज होता है, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, प्लॉट आपको याद होने चाहिए, याद मतलब आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि ये चार ऑप्शन में पूछ लेगा कौन सा पीवी डायग्राम एयर रेफ्रिजरेशन या हम कह सकते हैं बेल कोलमैन साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, एयर रेफरेंस सिस्टम कहाँ यूज होता है, हमारे एयरक्राफ्ट में, तो एयरक्राफ्ट में जो एयर रेफरेंस सिस्टम होता है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आता निकल के जो कि हमारा आईसी इंजन में होता है उससे मिलती जुलती होती है, उसके बिहार पे आपको जस्ट सिंपल प्रॉब्लम्स करने, ये भी यहां से प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो चार कंपोनेंट होते हैं बेसिक क्या क्या कंपोनेंट हैं, उनकी वर्किंग, पीवी डायग्राम, पीएच, टीएस, पीबी, ये सब। अब एक बार आपने एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, बाकी सब डायग्राम आप ड्रॉ करना सीख जाओगे अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स बेसिक पढ़ी है तो यहां मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। ये आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका रेफ्रिजरेशन जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएगा एंड पावर प्लांट भी, ठीक है। तो ये पीबी डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं, टीएस कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब चीज आपको ये ध्यान से पढ़ना है तो आपका आरएसी भी बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन इसके बाद रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट हो गया, आपके कंप्रेसर क्या होता है, हर्मेटिकली सील्ड, सेमी हर्मेटिकली सील्ड, बहुत सिंपल है, आप बस इसकी डेफिनेशन एक लाइन में इन दोनों का अंतर होता है जो एक बार पढ़ लोगे तो भूल भी नहीं पाओगे। फिर इनका लुब्रिकेशन कैसे होता है, जो कंप्रेसर होता है वो किस टाइप का होता है, एयर कूल्ड कंप्रेसर होते हैं, वाटर कूल्ड होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। अगेन रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल कैपिलरी ट्यूब होती है उसके थ्रू होता है, फिर हमारे कुछ और वॉल्व भी होते हैं उसके थ्रू होता है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। देन आइस मेकिंग इंडस्ट्री, वाटर कूलर्स, कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन स्टोरेज, ठीक है, ये सब चीज एप्लीकेशन है ऑफ रेफ्रिजरेशन, थोड़ा थोड़ा इनमें पढ़ लेना। एयर कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोमेट्री क्या होती है, एडिबेट, देखो ये टॉपिक्स ना अगर आपने ये कर लिए ना तो डेफिनेटली है कि ये आप बहुत सारे लाइक 50-60% जनता को पछाड़ दोगे अगर आपने ये किया तो। और कैसे करोगे, आपको नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इन सब जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल चीजें, इनमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बहुत अच्छे से। लाइक अगर आपके सीबीटी का लेवल ये है तो मैं आपको इस लेवल तक का बता दूंगा इसमें, ठीक है।
ओके एक्स्ट्रा भी नहीं होगा वो, बट थोड़ा तो एक्स्ट्रा हमें पढ़ के जाना ही होगा ओके जो कि आपको समझ में आएगा आसानी से। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी हम आ गए, ये जो ऊपर तक का था दिस वॉज द थर्मल पार्ट, अभी हम आ गए डिजाइन पार्ट में। तो डिजाइन पार्ट जैसे नॉर्मली कोई भी एग्जाम होता है इक्वली वेटेज होता है थर्मल का भी डिजाइन का भी, ठीक है। तो डिजाइनिंग में मे भी थोड़ा डिफिकल्टी हो आप लोगों को, बट इट्स सिंपल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मटेरियल्स देखो, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, ये जो है पहला जो टॉपिक है आपका, पहला चैप्टर है जो, ये आपका मशीन डिजाइन में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा आपको। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, कर्व क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो हमारी कौन सी मशीन पे ये टेस्ट होता है, लोड टेस्ट होता है, लोड टेस्ट होने के बाद कौन सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लोड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या फिर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, ठीक है, इस टाइप की चीजें, इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यूज कहाँ कहाँ, थर्मल स्ट्रेसेस इन बॉडीज, थर्मल स्ट्रेस पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है, एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द अबव टॉपिक्स। देखो इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब लाइक दो तीन फॉर्मूले आप याद करने हैं आपको इसमें, वो भी समझ के, और पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दोगे, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड, इंपैक्ट शॉक लोड, ठीक है, ये डेरिवेशन आप अगर इंपैक्ट शॉर्ट लोड में आप छोड़ देना, ठीक है, बट ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड में आप कर सकते हो, ठीक है, और ये भी नहीं कर पाओगे तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, ये तो करके ही जाना है, ठीक है। देन एसएफडी बीएमडी हो गया, ठीक है, बीम पे कैसे हम ड्रॉ करें, कौन सा वीक पॉइंट होता है, सिंपली सपोर्ट बीम में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा या फिर कैंटिलीवर में होगा, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, इस टाइप की चीजें, ये इनके एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे कौन सा बीम यूज होता है, ठीक है, कौन सा बीम कैसा स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी ऑफ सिंपल बैंडिंग, बैंडिंग आ गई, ठीक है। देन उस पर यू देखो यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, वो आपको नहीं करना है, इन्होंने बोल दिया कि डिफ्लेक्शन फार्मूला विदाउट प्रूफ, देखो यहाँ लिखा है डिफ्लेक्शन फार्मूला विदाउट प्रूफ, क्योंकि प्रूफिंग क्या होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, फॉर कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्ट बीम विद पॉइंट लोड एंड यूडीएल ओनली, आपको फॉर्मूला सिर्फ देखना है और उसको आपको उसके हिसाब से करना बिना डेरिवेशन के, और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, बहुत ईजी, आपको लग रहा होगा दिखने में काफी टफ हो जा रहा है, बट इट्स वेरी इजी। जो बैंडिंग है उसी से मिलता जुलता टॉर्शन है, बस इसमें क्या है चीजों का अंतर है, वहां पे हम लोग बैंडिंग मोमेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं, वहां पे आप डिफ्लेक्शन देखते हैं, यहाँ पे आप एंगल ऑफ ट्विस्ट देखते हैं, ठीक है, बाकी लगभग चीजें सेम रहती है। इसके बाद स्प्रिंग की बात आ गई, स्प्रिंग में आपको थ्योरेटिकल है, थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेना, कॉइल क्या होती है, देन कॉइल स्प्रिंग का जो है आईडी ओडी बीच में फिर नॉमिनल डायमीटर होता है, वो सब कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखें। इसके बाद में फिर थिन सिलिंड्रिकल शेल्स, थिन सिलिंड्रिकल शेल में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं और दो फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाता है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है उनसे, ठीक है। हुप स्ट्रेस क्या होती है, हुप स्ट्रेस कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने हम पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे उसमें ही हम पढ़ लेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, जो कि हमारी यहाँ पे भी यूज आएगी, ठीक है। और ये जो अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म कर लिया तो नेक्स्ट हमारा आएगा डिजाइन, डिजाइन आएगा, ठीक है, यहां मैंने लिखा है 10th नंबर पर डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, इसके दो चैप्टर आप इससे उड़ा दोगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो देखो थ्योरी ऑफ मशीन थोड़ा टफ माना जाता है, बट इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ईजी है, इजी क्या, देखो अगर चीज समझ में आ गई आपके आपके लिए तो बहुत ईजी है, नहीं समझ में आई तो टफ है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आए, इनकी साइंस आपने नहीं समझी है तो आप इनको रट ही नहीं सकते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट इन सारे सब्जेक्ट को छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है, जो रट जहां जहां रटने का ऑप्शन होगा वहीं रट के चले जाएंगे। कैम एंड फॉलोअर कैसे होता, क्या होता है, 10 मिनट की बात है, आपको बस पता लग जाए कैम क्या होता है, फॉलोअर क्या होता है, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट मोशंस क्या होते हैं, ठीक है, और ज्यादा डीप में उसमें नहीं जाना है आपको। पावर ट्रांसमिशन, बेल्ट चेन रोप गियर ड्राइव कैसे काम करती है, ठीक है, अगेन फ्लाईबील एंड गवर्नर्स, फ्लाईबील क्या होते हैं, गवर्नर क्या होते हैं, ब्रेक्स क्या होते हैं, ब्रेक पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल होता है ब्रेक पे निकालना, ठीक है। अगेन बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशंस, बैलेंसिंग सिंपल रोटेटिंग मास की बैलेंसिंग आपको करनी है, वाइब्रेशंस, ठीक है, ओके। अब मटेरियल साइंस था थ्योरी मशीन के ऊपर, तो मटेरियल साइंस के बारे में बात, देखो
मटेरियल साइंस में स्टार्टिंग में ही है, मटेरियल साइंस में आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत बोरिंग है। इनफैक्ट इट वॉज अ फेवरेट सब्जेक्ट फॉर मी, इट इज। तो मटेरियल साइंस तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा इसमें, बीसीसी एफसीसी इसमें, मतलब लाइक ये समझो एक जैसे बीसीसी है ना, इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा, एफसीसी पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, और सिंगल सिंगल लाइन का, लाइक आपको बस एक वर्ड याद करना है, बट आपको एक शब्द याद होना चाहिए, आपको आप एक क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, बहुत सारे लाइक एक फेज डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बट वो फेज डायग्राम देख के आपको डर लगता होगा, बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब ये सब चीजें आप कह रहे हो, ये एक स्पेशल चीजें हैं, अगर आप ये छोड़ोगे तो बहुत सारे ये सब, ये जो मटेरियल साइंस पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग छोड़ेंगे इसको, बहुत लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंपीट करना है तो ये सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम देके आराम से हो जाएंगे, आई हेल्प यू। राउट आयरन क्या होता है, ठीक, कास्ट आयरन क्या होता है, स्टील्स क्या होता है, टाइप ऑफ स्टील्स क्या होते हैं, एमएस क्या होती है, स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होता है, टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है। देन आपके अलॉयज क्या होते हैं, ठीक, फेलियर एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस में क्या, डक्टाइल फेलियर क्या होता है, ब्रिटल फेलियर क्या होता है, डक्टाइल फेलियर ब्रिटल फेलियर पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट हम सॉम में जब वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे डक्टाइल फेलियर क्या होता है, ब्रिटल फेलियर क्या होता है, देन क्रीप, क्रीप कर्व क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है कुछ टाइम के बाद आप देखा होगा झूल जाती है, ठीक है, तो क्रीप होता है, क्रीप कर्व क्या होता है, फ्रैक्चर, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन जो होती है यूटीएम, यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपका हार्डनेस होगी, हार्डनेस क्या होती है, कैसे, बिगनर हार्डनेस नंबर क्या है, रॉकवेल हार्डनेस नंबर क्या है, बैंड टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट, फटीग टेस्ट, क्रीप टेस्ट, एनडीटी होती है, एनडीटी आपको सारे 5-10 होती हैं, वो आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है, किसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हर चीज़ की आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, जो महंगी चीज़ें हैं, कॉस्टली चीज़ें हैं जिसमें टाइम बहुत लगा, जैसे ब्रिज बनाए, तो ऑफकोर्स उसकी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आप नहीं करोगे, तोड़ के ब्रिज में देखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स यूज करके टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग, एटलीस्ट कोरोजन के बारे में पढ़ लेना, एटलीस्ट कोरोजन पढ़ लेना, ठीक है। ये टॉपिक में भी आपको ज्यादा लेंदी लगे, ठीक है, ज्यादा लेंदी हो सकता है, तो इसको आप पूरी की पूरी इस मटेरियल साइंस में इसको थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप कोई भी चीज छोड़ के जाओ। अगर आप छोड़ने की नौबत आ रही तो बस 1-2 घंटा देके जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है वो आरएस खुरमी में सर्च करो, या आरके राजपूत, या कोई और ऐसी बुक जो लोग रेड की हो, वहां सर्च करो, पढ़ो और छोड़ो बस। अगर वहां पे मान लो क्वेश्चन आया और आपके दिमाग में है वो चीज पढ़िए, तो आप उसमें टिक मार ही दोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद में थर्मल इंजीनियरिंग 2, ठीक है, देन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, यहाँ से थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब थर्मल इंजीनियरिंग 2 की बात कर लेते हैं, इसके बाद आपके थ्योरेटिकल टॉपिक स्टार्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग 2, ठीक है, गैस टरबाइन, गैस टरबाइन में ब्रेटन साइकिल जो यूज होता है वो कैसे ड्रॉ होता है, शेप कैसे दिखता है, पीवी पे, और एक बार पीवी पे ड्रॉ कर लोगे, मतलब देखो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कौन कौन से इसमें प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो अगर प्रोसेस पता है तो पीवी पे भी ड्रॉ कर लोगे इसको, टीएस पे भी ड्रॉ कर लोगे, एचएस पे भी ड्रॉ कर लोगे, और बस खत्म बात है। और अगर चार ऑप्शन में आता है कि कौन सा पीवी है, कौन सा टीएस है, तो आपको ये नहीं देखना है, आपको एलिमिनेट करना है कि आपको पता है एक प्रोसेस इसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है या कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो उसमें मैं देखूंगा कॉन्स्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कर्व ड्रॉ होगा, तो आप देख लो एक प्रोसेस इसमें ऐसा नहीं है, गलत हुआ, इसमें नहीं है ये है हटा, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर पाओगे, बट आपको बेसिक पीबीटीएस ड्रॉ करना आना चाहिए, या कहां सीखोगे, थर्मो में, थर्मो के पहले टॉपिक में जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे पहला टॉपिक था बेसिक थर्मोडायनेमिक, उसमें पीबीटीएस डायग्राम ड्रॉ करना सीखोगे, और वो आपको देखो कहां कहां काम में आएगा, आईसी इंजन में आएगा, थर्मल इंजीनियरिंग 1 में आया, थर्मल इंजीनियरिंग 2 में काम में आएगा, आरएसी में आएगा काम में, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जेट प्रोपल्शन, देखो इसमें क्या है, थ्योरी है, तो इसको मत छोड़ना, एक बार थ्योरी पढ़ लेना, इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक, न्यूमेरिकल्स मत देखना,
डेरिवेशन है इसमें, मत देखना, परेशान हो जाओगे, बट इसकी थ्योरी पढ़ लेना, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें देख लेना। प्रॉपर्टी जो स्टीम, स्टीम आरएसी में जो हम एयर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि वेपर होता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर के लिए हम जो है एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें इस ये चीजें भी काफी कवर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, देखो यहां तक एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, लेटेंट एनर्जी, ड्राई सर्वो, स्टीम, गिवन प्रेशर यूजिंग, यहां तक बहुत इजी है, ठीक है, यहां तक। इसके बाद थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा इन लाइक जो मोलियर चार्ट में देखना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मोलियर चार्ट में मत देखना, वो मत देखना, बस आप ये देख लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, और अगर आप ड्रॉ करोगे पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम पे, तो कैसा होता है, जो कि आपके अगेन थर्मो में पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एजेंट्रोपिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस दुनिया में जितने ही वॉल्व होते हैं, वॉल्व मतलब टंकी, टैप, टैप में भी जो आपको वॉल्व लगा होता है, किसी और चीज वॉल्व होता है, सारे के सारे थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे काम करते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो आपकी थ्रॉटलिंग, स्पेशल थ्रॉटलिंग डिवाइस लगी होती है, ठीक है, ओके। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, देन स्टीम कैलोरीमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, थ्रॉटलिंग कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोमीटर्स होते हैं, ये मतलब इनके, देखो यहां से ये स्टीम कैलोमीटर्स जो होते हैं, ये थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लेना इसकी, मतलब नहीं छोड़ने का इसको। अब देखो यहां पे ये स्टीम जनरेटर्स, स्टीम जनरेटर्स अगर आपके पास टाइम नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, ये पूरा मत छोड़ो, बस इसमें क्या थोड़ा बाकी छोड़ दो, आप ये देख लो कि जो इकोनोमाइजर क्या होता है, ठीक है, सुपर हीटर क्या होता है, एयर प्री हीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टीम ट्रैप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको सारे के सारे प्लांट में जहां भी स्टीम का यूज होता है वहां पे हर 100 मीटर पे आपने देखा होगा स्टीम ट्रैप होता है, ठीक है। स्टीम टर्बाइन छोड़ देना, टाइम कम है, इसको अभी छोड़ देना, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम बचता है तो बस द जैसे सिंपल डलेबल टर्बाइन, तो आप इसको क्या थ्योरीज की पढ़ लो, क्या चेंज था, क्या यूज है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, बस इस टाइप से। इसलिए मैंने क्या करा, थर्मल इंजन को थोड़ा सा 9th नंबर पर रखा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपके ये सब चीजें ये जो है ये काफी बड़ी हो जाती है चीजें, कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग। अभी कंपाउंडिंग पढ़ने के लिए आपको पहले आना चाहिए कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम मतलब आप समझ सकते हो, वेलोसिटी डायग्राम में आपको पहले इसकी पूरी की पूरी वर्किंग जाननी है, देन आप कर सकते हो उसको। तो थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टफ मैं बताऊं ये वाला जो थर्मल इंजीनियरिंग 2 में, ये स्टीम टर्बाइन, स्टीम नोजल्स, ठीक है, नोजल्स तो फिर भी ठीक है, और ये लास्ट का ये वाला टॉपिक आपका यहां तक स्टीम जनरेटर था, ठीक है। इसमें जो जो आपको लगे यार, बस अगर आपके पास टाइम जब बचे तभी इसको देखना, पहले इसको देख के आप अपना टाइम खराब मत करना, ठीक है। बाकी जो चीजें आप कर सकते हो वो करने के, वो अगर हो चुकी है आपकी, ओनली देन सी दिस, ठीक है। देन इसके बाद में जो इसके बाद में बात करूं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के बाद में रटने वाली चीजें आ गई आपकी, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में आप देखो, जैसे हम बात करें मेट्रोलॉजी में जिग एंड फिक्स्चर्स आते हैं, देखो इसमें कुछ सिंपल चीजें भी हैं, जैसे आपने देखा है गो गेज, नो गो गेज, ठीक है, वो देख लेना। उसके बाद में लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंसेस, इसमें ही आता है ये सब चीजें, ठीक है। फिट सिस्टम क्या होता है, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ केजेस, रिंग गेज, ठीक है, ये इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल मतलब कि गो गेज से किस टाइप का हम चेक करते हैं, नोगो गेज से किस टाइप का चेक करते हैं, अगर गो गेज रिजेक्ट करेगा और नोगो गेज के एक्सेप्ट कर देगा उस चीज को, तो ये गो गेज नोगो गेज आप मतलब इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ो तो आप टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ प्लग गेजेस, रिंग गेजेस, ये आप देख लेना, ठीक है, एटलीस्ट ये तो देखना इस चैप्टर में, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस में। देन गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, देखो इसमें एक ये देखना कि स्क्रू थ्रेड, पहले आप टॉपिक डालो कि थ्रेड हो गया, थ्रेड थ्रेड मतलब नट बोल्ट के ऊपर थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, थ्रेड को कैसे बनाते हैं, लिस्ट डाउन कर लो मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थ्रेड। देन गियर, गियर को कैसे बनाते हैं, लिस्ट आउट कर लो गियर को कैसे बनाते हैं।
तो किस टाइप की चीजें, वहां पे सीधे सीधे आ जाए कि गियर मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से की जाती है। चार ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे तो एटलीस्ट आपने देखा होगा, यही देखना है सिर्फ कौन से मेथड से बनाए जाते हैं, वो मेथड क्या है मत पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट ये पता कर लो कि गियर किस मेथड से बनाए जाते हैं, ठीक है। स्क्रू थ्रेड किस किस मेथड से बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, देन इसके बाद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म मशीनरी, हाइब्रिड व्हीकल्स, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम। ये मेरे हिसाब से 23 चीज, यहाँ से यहाँ के बाद आपको ये सब मोस्टली चीजें क्या है कि याद करने वाली आ गई, ठीक है। तो इसमें याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपने क्या किया, सिलेबस खोला, ठीक है। अगर मैं बात करूं फार्म इंजीनियरिंग की, टाइप कर देता हूं, फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म मशीनरी, ठीक है। तो यहां बस क्या करा आपने, इंट्रोडक्शन टू फार्म मैकेनिज्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक देखा, किताब में देखा, पढ़ लिया, खत्म करो बात को, और किताब में ही उसको हाईलाइट कर लिया, ये नहीं कि उसमें अलग नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइम जाएगा। किताब में हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर दो ताकि दो दिन पहले आप इस चीज को रिवाइज करके जा सको, ठीक है। जो भी आपको दिख रहा है, बस आपने ये टॉपिक उठाया, वहां पढ़ा, जैसे ही वहां टॉपिक खत्म, बस वो खत्म, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना, जो जो लिखा है वो बस पढ़ लो, वहां पर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स हो गया, ठीक है, पढ़ लो। मतलब बेसिक ये यार, आप जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 5 से 6, स्टार्टिंग में यहां तक बात करूं आपको, ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीनरी थोड़ा टफ है, इसको छोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताई दिया। RAC, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग 2 में कुछ टॉपिक्स, ठीक है। यहां तक ये 9 टॉपिक ऐसे हैं, 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोर सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और जो आपका आपको काफी स्कोरिंग रहेगा और दूसरों से एक ज्यादा आपको एक अच्छी ग्रिप देगा इस एग्जाम की, रियली मत छोड़ना। तो यहां पे मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, कोर टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लाइक उसका प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट अगर कुछ स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो हम लोग जून पे लाइक मीटिंग करके उसमें भी पढ़ा सकता हूँ, बट डिपेंड करेगा कितने लोग हैं, ठीक है। और आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको और कोई इन कोर सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना है आपको, या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एज अ सिलेबस होल मैं आपको एक सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि 9 सब्जेक्ट ऊपर से 9 तक है, ये यहां तक मैं आपको एटलीस्ट 90% तो इसमें कवर करा दूंगा, 10% वो बचेगा जो आपको थ्योरी करनी है, दैट्स इट, यहां तक। तो आप बताइएगा आपका, आपकी क्या राय है, आप पर्टिकुलर टॉपिक कोई डाउट है तो आप टॉपिक बोलिए मुझे, वो टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ, वो डाउट पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके वीडियो बना के डाल देंगे। या अगर आप ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, जून पे मीटिंग एक ऑर्गेनाइज करके मैं आपको लाइव जो है पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, टॉपिक सारे। तो अभी तक मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि सर कैसे पढ़े, मुझे मतलब इतना ज्यादा सिलेबस दे दिया है, कैसे कंप्लीट करें ये सब चीजें। तो जैसा भी आपका डाउट है या जो भी है, उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो अभी तक के लिए इतना, मेरे हिसाब से काफी बड़ा हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, कोई टॉपिक पे डाउट है तब भी आप पूछो। और आप अगर पूरा एज अ होल सब्जेक्ट चाह रहे हो तो मैं होल सब्जेक्ट अपलोड कर दूंगा, और अगर अपने फेस टू फेस मिलके चाह रहे हो कराना, लाइक जूम कॉल पे इस टाइप पे, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।